नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एनसीआर गार्डनिंग चैनल में। और आज हम, ये तो हमारे एडेनियम है, इनकी रिपोर्टिंग करेंगे, इनकी सोइल चेंज करेंगे। पूरा विंटर इन्होंने निकाल दिया है अपना डोरमेंसी पीरियड, और देख सकते हैं आप कोई भी इनकी लीव्स नहीं है, और ये नई ग्रोथ अब इनकी आने लगी है। हमने कुछ दिन पहले इनकी कटिंग करी थी मिड फरवरी में, और फरवरी एंड हो गया है, अभी इनकी नई शूट्स निकलने लगी हैं ये, तो अब बिल्कुल राइट टाइम है इसकी सोइल को चेंज करने का। आप देख सकते हो कि इनकी सोइल बिल्कुल सूखी हुई है, क्योंकि हमें इनकी सोइल चेंज करनी थी और इनकी रिपोर्टिंग करनी है, तो इसलिए हमने कुछ दिन पहले ही पानी देना बंद कर दिया है। अब इन दोनों को इस सोइल में से निकालेंगे, निकाल के हम इसे देखेंगे साफ करके कि इनमें कोई फंगस तो नहीं लगी है, इनकी रूट्स कहीं से गल तो नहीं रही हैं। अगर गल रही होंगी, इनमें फंगस होगी, तो इनका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद इस सोइल को थोड़ा सा चार्ज करेंगे, इसमें खाद डालेंगे और इसे दोबारा से इस सोइल में लगाएंगे। तो अब हम सबसे पहले ये एडेनियम अपना इन पोर्ट्स में से जो हमने ये लगाए हैं प्लास्टिक की ट्रे में, इनमें से इन्हें निकालेंगे। निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल, इसे ऐसे उठाना है ऊपर और हल्का हल्का ऐसे मारना। ये नहीं सोचना है कि इसकी रूट्स टूटेंगी, थोड़ी बहुत कुछ टूटती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर निकल गया। अगर आपकी सोइल बिल्कुल ड्राई है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से सोइल में और बहुत आराम आराम से धीरे धीरे हाथों से, ताकि इसकी रूट्स ज़्यादा डैमेज ना हो, हम इसे सोइल को रिमूव कर लेंगे। अच्छे से सोइल को रिमूव कर लेंगे, इसमें से सारी सोइल हम हटा देंगे जितनी हमसे हट सकेगी, और बाकी जो रह जाएगी उसे हम पानी से साफ कर लेंगे। देखो, इसका सोइल हटाने का और इसे पानी से साफ करने का हमारा जो पर्पस है, वो बस ये है कि हम ये देखें कि इसमें कहीं फंगस तो नहीं लग गई है। ये जो एडेनियम है, इसमें बस एक ही चीज़ है जो इसे मारती है, वो है फंगस। इस पूरे पेड़ को कुछ नहीं होता, बस फंगस इसे मार देती है। इसलिए हम चेक करेंगे, इसे ऐसे करके मार मार के इसकी पूरी मिट्टी हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे इसे, और जो रह जाएगी उसे पानी से धो के साफ कर लेंगे। ये सेम ट्रीटमेंट हम दूसरे वाले एडेनियम के साथ भी करेंगे। हमारा ये देख सकते हो आप, हमारी सोइल देख सकते हो आप, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सोइल है, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल इसे सॉफ्ट ही चाहिए तभी इसकी रूट्स चलेंगी। हार्ड सोइल में अगर इसे लगाओगे आप, तो रूट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी, और रूट सिस्टम ग्रो नहीं करेगा अच्छे से, तो पेड़ की भी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हम ये सब हटा लेंगे। देख सकते हो आप, हमने इसमें मूँगफली के छिलके, पत्थर के टुकड़े, खाद और बालू, रेत वगैरह सब कुछ डाल के सोइल बनाई हुई थी। अब हम ये दोबारा से करेंगे, सोइल को थोड़ा चार्ज कर देंगे खाद डाल के, ये इस तरह से आराम आराम से मार के इसे हटा लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, हम इन दोनों को रख के इसकी जो इस पे बची हुई मिट्टी है, इसे छुटाने के लिए क्या करेंगे, ये किसी बाल्टी में पानी लेंगे और इसे पानी में डाल के साफ कर लेंगे। तो ये पानी ये हम इसमें इसे डालेंगे, और ऐसे डाल के दो चार बार ऐसे करेंगे, तो सारी सोइल, जो भी सोइल इस पर चिपकी हुई है, सब निकल जाएगी। ये देख सकते हो आप, और ये सोइल निकाल के हमें चेक करना है कि इसमें कहीं फंगस तो नहीं है। और फंगस नहीं है, ये कैसे चेक होता है, अब दबा के देखेंगे, आपको पिलपिला दिखाई देगा, वहाँ पे काला पड़ चुका होगा। तो देखिए, यहाँ पे कहीं भी कोई भी बिल्कुल बिल्कुल टाइट है, कोई भी इसकी रूट्स ऐसी नहीं दिख रही हमें जहाँ इसमें फंगस लगा हो। और ये आपको जो काला काला पोर्शन दिख रहा है, ये सब इसमें खाद है, कुछ कोयला है जो हमने इसमें लकड़ी का कोयला लगाया हुआ था, ये वो चीज़ें हैं सब। फंगस इसमें नहीं है कहीं भी, रूट्स एकदम अच्छे से इसकी प्रॉपर तरह से फैल चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। ये इसमें पहले फंगस लगी थी, हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया था, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है ये, और ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। अगर दोस्तों आपकी रूट्स में फंगस होगी, तो वो बिल्कुल पिल पिले हो जाएगा, हाथ से दबाओगे दब जाएगा एकदम, ये इसकी पहचान होती है, और इसमें कहीं फंगस कुछ भी नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे धूप में रख देंगे दो चार मिनट के लिए, ताकि हल्का सा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसे हम एक साफ़ पानी में फंगिसाइड पाउडर डालकर डुबो देंगे, ताकि अगर कोई फंगस लगने का भविष्य में भी चांस ना रहे इसमें। ऐसे ही हम इसे भी साफ़ कर लेंगे सेम,
और इसको भी चेक करेंगे। देख सकते हैं आप दोस्तों हमारे जो एडेनियम है इनका रूट सिस्टम कितना बढ़िया डेवलप हुआ है। उसका कारण है इसे हमने फ्लैट ट्रे में लगाया। आप एडेनियम को कभी भी लंबे गमले में ना लगाएं, गहरे गमले में ना लगाएं, इसे फ्लैट ट्रे में लगाएंगे तो इसका जो ट्रंक है उसका साइज मोटा होगा। आप देख सकते हैं मेरे इसका ट्रंक कितना बड़ा ट्रंक है, कितना मोटा ट्रंक है। इसके ट्रंक को मोटा करने के लिए भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मैंने क्या ट्रिक अपनाई कि 4 साल के अंदर मेरा ये बेबी से इतना बड़ा ट्रंक का प्लांट बन गया। तो आप दोस्तों बने रहें वीडियो में, मैं एंड में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे इसका ट्रंक इतना मोटा हो जाएगा। अब इसे हम दोनों को थोड़ी देर रख देंगे ताकि ये हल्का सा ड्राई हो जाए। उसके बाद एक बाल्टी में साफ पानी लेंगे, उसमें फंगिसाइड डाल के इन्हें 2 मिनट के लिए उसके अंदर डुबा देंगे। तो दोस्तों हमने ये पानी लिया है आधा बाल्टी पानी और इसमें हम 5 ग्राम के करीब फंगिसाइड पाउडर, आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, साफ, बेबिस्टीन, जो भी आपके पास हो डालेंगे और अच्छे से इसे मिला देंगे पानी इसके अंदर। और अब हमें क्या करना है, अपना एडेनियम का जो रूट्स है इस रूट्स को जितना ट्रंक डूब जाए उतना हमें इसके अंदर डुबो डालना है। और ये इसके अंदर डुबो कर हमें 10 मिनट के करीब इसे इसके अंदर ही छोड़ देना ताकि इसके अंदर जो भी फंगस बनी होगी या बन रही होगी वो सब ख़त्म हो जाएगी और ये फ्यूचर के लिए हमारा प्लांट सिक्योर हो जाएगा। तो इसे हम रख देंगे अब दोस्तों एक साइड 10 मिनट के लिए। और ये हमारा दूसरा वाला एडेनियम है, इसे भी हम एक दूसरी बाल्टी में 10 मिनट के लिए ऐसे ही डुबा देंगे फंगिसाइड पाउडर डाल के। अब इसकी थोड़ी सॉइल की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी जो हम सॉइल तैयार करेंगे उस सॉइल में हमने जो हमारी पुरानी वाली सॉइल है, जो भी इन प्लांटों में से पुरानी सॉइल निकली है उस सॉइल को यूज़ कर लेंगे क्योंकि वो हमारी सॉइल काफ़ी अच्छी बनी हुई है। इसमें पहले से हमने रिवर सैंड मिलाया हुआ था, इसमें कोयला, गोबर की खाद, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, सूखी लकड़ियाँ, ये देख सकते हैं आप पत्थर के टुकड़े, मूंगफली के छिलके, तो ये बहुत ज़्यादा पोरस बनाई हुई है हमने। अगर इसमें हम पानी डालते हैं तो तुरंत नीचे की साइड निकल जाता है। अब हमारी सॉइल तो एकदम रेडी है, पहले से ही अच्छी है। इस सॉइल में बस अब एक चीज़ की कमी है कि 1 साल तक सॉइल जो है यूज़ हो चुकी है तो प्लांट ने इसके सारे जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे इसे रिचार्ज करने के लिए 60% ये वाली मिट्टी लेंगे अपनी पुरानी और इसमें 40% के करीब ये हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट लेंगे। गोबर का खाद भी ले सकते हैं आप, लेकिन गोबर का खाद अच्छे से या तो सड़ा हुआ होना चाहिए वरना आप वर्मी कंपोस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक खाद ले सकते हैं। जैसे ये हमने एक ऑर्गेनिक खाद लिया है, ये 40% और ये 60%, ऐसा हम रेशो रख सकते हैं लगभग लगभग, कोई नापना तोलना नहीं है ये। ऐसे हम इस सॉइल को मिला के तैयार कर लेंगे तो ये सॉइल हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बस आपको प्लांट्स लगाते हुए या एडेनियम एक ही बात का ध्यान रखना है कि सॉइल जो है वो बहुत ही पोरस होनी चाहिए। पोरस मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जब उसमें आप पानी डालें तो पानी नीचे की साइड निकल जाए। पेड़ को पानी की नहीं नमी की ज़रूरत होती है। अगर इसमें पानी रुका रहेगा, नीचे नहीं निकलेगा, तो जब बारिश पड़ेगी, गर्मी में तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जब बारिश पड़ेगी और बरसात में आपका पौधा रहेगा उसमें पानी कंटिन्यू भरा रहेगा, उससे क्या होंगी जड़ें इसकी गल जाएंगी। क्योंकि ये डिजर्ट रोज़ है, ये रेगिस्तान का पेड़ है, तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, हल्की नमी की ज़रूरत होती है बस। तो हमारी सॉइल रेडी हो चुकी है। अब हमारे जैसे ही पौधे तैयार हो जाएंगे 10 मिनट बाद फंगिसाइड में से निकाल के उन्हें हम सीधे लगा देंगे और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग दोनों ही पेड़ पे आएगी, इसकी हम आपको अपडेट भी देंगे। हम आपको 10 मिनट बाद बताते हैं कि इन्हें कैसे ग्रो करना है इसके अंदर। तो दोस्तों सॉइल हमारी रेडी हो चुकी है और हमारे प्लांट्स जो एडेनियम के हमारे पौधे हैं ये, इन्हें भी हमने फंगिसाइड के पानी के अंदर डुबो के रखा था 10 मिनट के लिए। अब ये भी बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं और फंगिसाइड हमने जहाँ जहाँ पे इनकी स्किन थोड़ा छिल गई थी वहाँ पे फंगिसाइड लगा दिया ताकि फंगस ना हो। दोनों पे हमने सेम करा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ये इसका जो कोडेक्स है इसका हरा हिस्सा दिख गया क्योंकि स्किन छिल गई थी इसकी। तो वहाँ पर हमने क्या करना है कि थोड़ा सा फंगिसाइड लेना है और लगा देना है ताकि फंगस ना लगे। ये तो पौधा लगाने के लिए पूरा रेडी है हमारा। अब हम क्या करते हैं इस पॉट के अंदर इसे लगाएंगे और इसका जो हमने ड्रेनेज के लिए इसमें छेद किए हैं इस पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े या गमले के टूटे हुए टुकड़े हम ऐसे रख देंगे ताकि मिट्टी जो है वो पानी के साथ नीचे ना निकले।
ऐसे रख देंगे और ऊपर से फिर मिट्टी डाल देंगे। अब एक बात दोस्तों, मैंने आपसे वीडियो में बोला था कि इसका जो ये कोडेक्स है मेरे प्लांट का, आप कोडेक्स देखिए कितना मोटा कोडेक्स है, ये दो हाथों के अंदर आ रहा है मेरा, इतना मोटा कोडेक्स मैंने कैसे करा, और वो भी 4 साल के अंदर ही ये इतना मोटा कोडेक्स हो गया मेरा, बेबी प्लांट से 4 साल के अंदर इतना बड़ा कोडेक्स। तो इसका सीक्रेट मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, इसका बहुत छोटा सीक्रेट है, इसकी एक खाद है ये DAP। ये DAP के कुछ दाने आपको इसमें डालने हैं, इसकी सोइल में, और DAP से ही इसकी ग्रोथ होगी, इसके कोडेक्स की ग्रोथ होगी। दरअसल ये थोड़े से दाने हमारे दो प्लांट्स के लिए सफिशियंट है और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों इसके साथ आपको क्या काम करना है कि अप्रैल में जब इसकी फ्लावरिंग होगी, उसके बाद जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको इसको दोबारा से एक बार DAP के 4-5 दाने डालने हैं इसके अंदर, ऊपर से ही मिट्टी में, गमले में। ये DAP आपको इसका कोडेक्स मोटा करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारी सॉइल बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये हमारा पॉट भी रेडी है, हमने इसके जो होल हैं वो बंद कर दिए। अब इसमें हम पहले नीचे एक लेयर बिछाएंगे, हल्की सी लेयर, और उसके ऊपर अपना जो ये प्लांट है इसे रख देंगे, इसे सेंटर में रखेंगे ताकि इसका जो जड़ है उन जड़ों का फैलाव चारों तरफ हो सके। एक बात और, हर साल एक बार इसे अडेनियम को साल में एक बार हम इसे रिपोर्ट करते हैं, और रिपोर्ट करने का हमारा मकसद पहला है इसमें कोई फंगस तो नहीं लगी है उसे चेक करना, दूसरा इसकी सोइल को रिचार्ज करना, और तीसरा ये होता है कि हम अपने एडेनियम को ऊपर उठाते हैं थोड़ा, क्योंकि ये इसका रूट सिस्टम और इसका ट्रंक जिसे हम कोडेक्स बोलते हैं वो नीचे की ओर बढ़ता है, तो थोड़ा ऊपर उठाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे निशान बने हुए हैं, जब मैंने ये बेबी ख़रीदा था तो इसका कोडेक्स यहाँ था, फिर मैंने इसे उठाते उठाते, देखो जहाँ तक आपको ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये वो कोडेक्स है जो ये बेबी पोर्शन में ऊपर था, और ये देख रहे हो आप यहाँ तक इतना कोडेक्स मैंने इसका ऊपर उठाते उठाते पिछले 4 साल में इतना बड़ा प्लांट कर दिया। अब हमारा यहाँ पे लगा हुआ था प्लांट, और अब हम इसे यहाँ पे लगाएंगे, यानी 1 इंच ऊपर कर देंगे। 1 इंच ऊपर करने से क्या होगा, जो इसका कोडेक्स ये इतना मोटा हुआ है यहाँ पे, ये ऊपर आ जाएगा मोटा वाला पोर्शन, और इसकी जो रूट सिस्टम है वो जब नीचे को बढ़ेगी तो कोडेक्स भी थोड़ा नीचे की ओर ग्रो करेगा, मोटा होगा, फिर अगले साल हम फिर इसे ऊपर उठाएंगे, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये ऊपर उठता रहेगा हर साल, कोडेक्स मोटा होता रहेगा, क्योंकि जो ये रूट्स हैं ये भी कोडेक्स का रूप ले लेती हैं और काफ़ी मोटी हो जाती हैं, तो ये रूट सिस्टम भी थोड़ा इसका बाहर आ जाता है, जिससे देखने में बहुत ब्यूटी इसकी दिखती है। इस पेड़ में अगर फ्लावर नहीं भी हो तब भी बहुत सुंदर लगता है। अब इसे हम थोड़ा ऊपर रखेंगे, और पहले हमारा प्लांट यहाँ था, अब हम इसे थोड़ा और 1 इंच ऊपर उठा के ग्रो करेंगे, तो उसी हिसाब से हम इसका लेवल देख लेंगे कि कितना लेवल है, हम ऐसे हाथ से भी देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर आ रही है सोई, तो हमें इसे यहाँ रखना है, यानी इसमें थोड़ी मिट्टी और डालेंगे, थोड़ी सी हम मिट्टी और डाल देंगे इसमें, और ये हमने यहाँ सेट करा, और इसमें चारों तरफ से सोइल डाल देंगे। सोइल से इसे भर देंगे, और दोस्तों मेरे दोस्त बोलते हैं कि अगर हम प्लांट को ऊपर उठाते हैं तो इसका जो कोडेक्स है वो भारी हो जाता है, इसकी वजह से इसका गिरने का चांस रहता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप क्या करेंगे कि जब इस प्लांट को लगाएंगे रिपोर्ट करके और कोडेक्स को ऊपर उठाएंगे, तो ये देखो आप पूरा हिल रहा है, गिर सकता है, तभी आप क्या करेंगे, इसमें इतना भी आपका ये गमला है, जो भी आप गमला यूज़ करते हैं मिट्टी का, सीमेंट का, या जो आप ट्रे यूज़ कर रहे हैं, उसे पूरा ऊपर तक सोइल से भर देंगे। अभी जब इसकी रूट्स इस मिट्टी को पकड़ लेंगी और ये अपने बल पे खड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम ऊपर की रूट्स, जो ऊपर की जो ये सोइल है फालतू वाली, ये हटा देंगे बाद में ऐसे करके कुछ दिन बाद, और फिर यहाँ पर पानी देने के लिए, खाद देने के लिए स्पेस हो जाएगा। अभी आप स्पेस करेंगे तो, क्योंकि हमने इसे पहले ही ऊपर उठा दिया है, और आप मिट्टी भी नीचे करके करेंगे, इसमें नीचा कर देंगे, तो फिर ये गिर जाएगा हल्का सा हाथ लगाते ही, या हवा से भी गिर सकता है, कोई बच्चा भी इसे गिरा सकता है, तो इसलिए अभी इसमें मिट्टी भर के पूरा
सेट होने देंगे। जब ये सेट हो जाएगा, इसकी रूट्स जो हैं वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेंगी, उसके बाद हम मिट्टी बाद में भी हटा सकते हैं। तो पहले सबसे पहला हमारा काम है इसे स्टेबल करना, ये खड़ा हो जाए, इसकी रूट्स जो हैं वो मिट्टी को पकड़ लें, उसके बाद हम रूट हटा देंगे, उसको साफ कर देंगे। ऐसे करके मिट्टी हटा देंगे फालतू। तो इसमें हम क्या करेंगे, पानी दे देंगे। अब जिस फंगिसाइड वाले पानी में हमने इसे डुबाया था 10 मिनट के लिए, हम वो सेम पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फंगिसाइड पाउडर तो पहले से मिला हुआ है। तो उस पानी को वेस्ट ना करते हुए हम इसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद इस पेड़ को हम पानी डालने के बाद लगभग 5-6 दिन के लिए हल्का शेड में रखेंगे, ताकि ये स्ट्रेस ना ले और ठीक से ग्रो कर सके। तो अब हमारा प्लांट तो लग चुका है, अब हम इसमें दे देते हैं पानी, जो कि हमारा पहले से ही फंगिसाइड मिला हुआ पानी है, और हम इसमें पानी डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसमें हम पानी दे देंगे, और उसके बाद अब इसे हम शेड में रख देंगे। उसके बाद हम आपको वीडियो की अपडेट देंगे जब इसमें फ्लावरिंग होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर और कोई आपका फ्रेंड गार्डनिंग का शौकीन है तो उसे शेयर करें। तो दोस्तों, इसकी अपडेट इसकी फ्लावरिंग के साथ हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच।